हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जस्ट में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल के बारे में। ये जो है ये वैकेंसी आई हुई है, उसके अंदर टोटल वैकेंसी हैं वो 107 वैकेंसी हैं और ये राजस्थान वेरियस पोस्ट के लिए है। इसके जो एप्लीकेशन फिल होने स्टार्ट होंगे वो 17/10/2019 को स्टार्ट होंगे और जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिल की है वो 6/11/2019 रखी गई है। जो लास्ट डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन फिल है वही पेमेंट की भी लास्ट डेट है। एग्ज़ाम कब होगा ये भी नहीं बताया गया, एडमिट कार्ड कब आएंगे ये भी नहीं पता, क्योंकि वैकेंसी के अभी फॉर्म फिल स्टार्ट नहीं हुए हैं। जनरल और ओबीसी एससी किसी के लिए भी अभी फ़ीस भी डिसाइड नहीं है। फीस के जो पेमेंट मोड है वो बता दिया गया है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। इसके अंदर जो पोस्टेज हैं वो 107 हैं, मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 30 होनी चाहिए, 30 पोस्ट वाइज वैकेंसी हैं। और इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो प्लस टू इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री क्वालिफिकेशन इन पोस्ट वाइज, यानी कि आपको पोस्ट वाइज डिग्री डिप्लोमा या इंटरमीडिएट होना चाहिए। जैसे कि स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास स्टेनोग्राफर सर्टिफिकेट होना चाहिए, पंप ऑपरेटर, फार्मासिस्ट के लिए फार्मासिस्ट की डिग्री होनी चाहिए, पैथोलॉजी लैब यानी कि ये असिस्टेंट ऑपरेटर, असिस्टेंट ग्रेड वन सी एंड एमएमएम, नर्स फीमेल, नर्स मेल, इन सब के लिए आप पे रिलेटेड ट्रेड से डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और इनके लिए जो पोस्ट रखी गई हैं वो जर्नल के लिए 12, स्टेनो में और एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2। आप देख लीजिए कि वैकेंसी कितनी कितनी है। वैकेंसी 107 हैं, वैकेंसी थोड़ी कम हैं, लेकिन एनपीसीआईएल ने जो ये वैकेंसी निकाली है राजस्थान बोर्ड ने, ये आप देख लीजिए। और इसके जो फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे वो 17/10/2019 से स्टार्ट होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।